कई बार ऐसा होता है कि पशु से टकराते हैं तो लोग मर जाते हैं, या कभी ऐसा होता है बड़ी गाड़ी से जाता है पशु मर जाता है। सड़क पर घूमती गाय भैंसों की गर्दनें चमक रही हैं। ये नजारा उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले का है। यहाँ अफजलगढ़ इलाके में एक संस्था आवारा पशुओं के शरीर में रिफ्लेक्टर लगा रही है। कुछ पशुओं के सींगों में रिफ्लेक्टर लगाए जाते हैं, जिनके सींगों में नहीं लग पाता उनके गले में रिफ्लेक्टर की माला डाली जाती है। इसका मकसद है इन पशुओं की वजह से रात में होने वाले हादसों को कम करना। हम रात के समय पर रोड पर बैठे हुए थे और हमारे सामने एक दुर्घटना हुई। गाय से एक व्यक्ति टकराया और बहुत ज़्यादा वो चोटिल हो गया। हमने उसे उठाया, उठाने के बाद उसे पानी वानी पिलाया, उसके बाद में बाइक पर रेडियम कर रहा था। तो हमारे दोस्त, हम जो जितने बैठे थे, तो हमने कहा कि अगर ये रेडियम गाय के लगाया जाए तो शायद किसी की जान बच जाए। तो हमने रेडियम लगाया तो हमारा जो सक्सेस हो गया प्रोग्राम जितने भी था। तो हमारा मेम्बर जो भी जाता है ना, वो अपने पास दो तीन रेडियम की पट्टी रखता है और छोटी रोटी बना के चलते हैं। हम जहाँ पर भी रास्ते में गाय मिलती है उससे पहले थोड़ी रोटी खुलाते हैं, उसके बाद हम रेडियम लगा देते हैं ताकि किसी की जान बच सके। ह्यूमैनिटी द वे ऑफ लाइफ नाम की ये संस्था अपने खर्चे पर जानवरों को रिफ्लेक्टर लगा रही है। इसमें करीब 10 युवा शामिल हैं। ये बताते हैं कि रिफ्लेक्टर वाली एक माला या सींग पर लगने वाला खर्च लगभग 100 से 150 रुपए तक आता है। ऐसा ना 125 या 100 एक जान से तो कहीं बढ़ के नहीं है ना। हम ये मानते हैं हमने 10 जान बचा ली, हमारे वो पूरे हो गए। हम ऐसा ना सामाजिक आस्था रखने वाले सब लोग हैं, तो इस तरह का कभी कोई ऐसी समस्या पड़ी नहीं हम लोगों को। हमारे एक रेहड़ के प्रधान जी खुर्शीद भाई हैं, कहीं धामपुर से आ रहे होंगे, तो यहाँ कुंडे के पास उनका जो है गाय बैठी हुई थी, अचानक ही एक्सीडेंट हो गया। आज भी वो आईसीयू में है 1 महीने से। तो ऐसी बहुत सी घटना है, लोग जान से भी चले जाते हैं। इस काम में खर्च के साथ साथ कई बार चोट लगने का जोखिम भी होता है। चोट तो खैर थोड़ी बहुत तो आ जाती है, क्योंकि काफ़ी सारी गायें वो होती हैं, मारती भी हैं, तो उसी है फिर उसे रस्से से बांध के हम प्रॉपर तब लगा देते हैं। और जो गाय नहीं मारती उसे सींग पे भी लगा देते हैं। जो सींग में गए तो पट्टा है अपने पास में, वो पट्टा लगा के आराम से बांध देते हैं। गाँव के कई लोग युवाओं के इस काम की तारीफ करते हैं। अगर ये हमारे क्षेत्र में भी करा दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। जो पशु आवारा फिर रहे हैं उनके कुछ नहीं लगा अभी तक। ऐसा लग जाए तो काफ़ी दूर से देख सकता है पशु, उसके सींग पर लग जा, कान पर लग जा, कहीं भी लग सकता है। इन नौजवानों में हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्मों के लोग शामिल हैं। सरकार से हम सहयोग यही चाहते हैं कि इसके लिए कोई एक ऐसा कानून बना दिया जाए, इसके लिए कोई टीम ऐसी गठित कर दी जाए ताकि लोगों की जान भी बची रहे और पशुओं की, जानवरों की जान भी बची रहे। बिल्कुल डर सताता है, बहुत सताता है, और दिल में ख्याल भी आता है कि कहीं कोई हमारे बारे में कुछ गलत ना सोच ले, गाय को लेके और हमें लेके, हमारे नाम को लेके। इस कोशिश को लेकर स्थानीय पुलिस का कुछ ये कहना है। हाईवे 74 पर तो जानवर आवारा जानवर घूम रहे हैं, इनसे कई दुर्घटनाएं हुई है। इन दुर्घटनाओं को बचाने के लिए एनजीओ ने अच्छी पहल किया है। ये रेडियम वाले माला को जो है जानवरों पे पहनाते हैं, और इसको पहनाया गया जिससे जो है मोटरसाइकिल सवार और वाहन सवारों की जान की सुरक्षा होगी और दूसरी तरफ पशुओं की भी रक्षा होगी। इनका बहुत अच्छा कार्य किया गया है। अक्सर ही आवारा पशुओं से टकराकर कई दुर्घटनाएं हो जाती हैं, हालांकि इस तरह की दुर्घटनाओं का कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। लेकिन इन युवाओं की ये पहल इन आवारा पशुओं की सुरक्षा के साथ साथ इस तरह की दुर्घटनाओं को भी कम करने में कारगर साबित हो सकती है।